हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी पर भी थोड़ा बहुत अपडेट देते रहिएगा, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम दोस्तों नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे एग्जाम्स पर अपडेट दूंगा दोस्तों, इसीलिए कहता हुआ मेरे से जरूर जुड़े रहिए, ठीक है ना। अगर कोई वैकेंसी के बारे में भूल रहे हैं ना, तभी मैं आपको याद दिला दूंगा, एकदम याद दिला के ही रहूंगा। दोस्तों, हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट कब तक। दोस्तों, बहुत सारे आप सभी को देखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, वो एक दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम डेट सितंबर में, फिर करेंगे अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, ऐसे करते करते दोस्तों एक साल बीत गया, लेकिन वो सारे यूट्यूबर एग्जाम नहीं करा पाए दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं ये कहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उस तरह की वीडियोज को पहली बात आप मत ओपन करिए, ठीक है ना। उस तरह की वीडियोज को जो डेली अपडेट देते एग्जाम डेट ये वो मत ओपन करिए, उससे आपके माइंड के ऊपर ना प्रेशर पड़ता है, माइंड के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही, आपको मोटिवेट करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो चुके हैं और एग्जाम डेट को लेकर जो है काफी टेंशन की वजह से वो डीमोटिवेट हो चुके हैं और उन्होंने स्टडी करना एकदम बंद कर दिया है, एकदम स्टडी करना दोस्तों क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं कर रहा है दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा दोस्तों। हम इस पर बात करने वाले हैं कि क्या सेट का प्रभाव इस पर पड़ेगा, सीटी 2020 का इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। दोस्तों 99.9% है दोस्तों, इस पर सीटी 2020 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात आप क्लियर मान लीजिए। 0.1% का दोस्तों हम नहीं ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि सेट का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपको करना क्या दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे सर इसका एग्जाम डेट कब होगा यार, कुछ अतना पता नहीं हो रहा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2020 में इसका इसके एग्जाम होने के चांसेस दोस्तों ना, इसके एग्जाम होने के चांसेस सिर्फ जो है 20% है दोस्तों, सिर्फ 20% चांस है कि इसका एग्जाम डेट जो है 2020 में हो सकता है, नहीं तो 2021 में ही इसका एग्जाम संभव है अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, ठीक है ना। एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार 2021 जनवरी से शुरू हो सकता है, उससे पहले चांस नहीं है, ठीक है ना, उससे पहले चांस नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है दोस्तों ना, उसको आप सभी बूस्ट करिए, प्रिपरेशन को बूस्ट कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो है हर एक तरह का, उन प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए, चाहे मैथ रहे, इंग्लिश, जीके, कुछ भी रहे, तो जाके देख लीजिए दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों बनाए रखिए, छोड़िए मत, ठीक है ना। जान लगा दो या जानो दो, जाने दो, छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वेट किया, एक साल 2-3 महीना वेट किया, तो दोस्तों 3-4 महीने में और क्या हो जा रहा है, बस 3-4 महीना वेट कर लीजिए दोस्तों, 3-4 महीना और आप देख लीजिए एग्जाम डेट हो जाएगा, उसके बाद आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे यूट्यूबर्स का थैंक यू जिन्होंने जो है एग्जाम डेट को लेकर काफी जो है मेहनत की है, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डेली वगैरह वाला वीडियो ना, एग्जाम डेट अक्टूबर ना, वो सब मत देखिए दोस्तों, उससे आपका सिर्फ माइंड पर प्रेशर पड़ेगा। आप ओपन तो करते हो कि अरे एग्जाम डेट तो नहीं आ गया, लेकिन एग्जाम डेट बारे उसके बारे में बताइए ना, कुछ और बातें बताई जाती हैं, तो प्लीज ओपन ना करें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप सभी अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए, किसी अदर चीजों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।